एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शनिवार को तहसील सदर क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में बड़गो खिरवनिया और राजघाट थाना में ट्रांसपोर्ट नगर में एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है, जो कि केडिया अस्पताल में नर्स थी और रामगढ़ ताल क्षेत्र बड़गो में एक महिला पॉजिटिव मिली है जो कलकत्ता से आई थी, और शाहपुर थाना अंतर्गत जैमिनी अपार्टमेंट में एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है और जटेपुर में भी एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। इन सभी एरिया को 250 मीटर तक सील कर दिया गया है और इनसे संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुल 4 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, उस एरिया को 14 दिन के लिए सील कर दिया गया है। उस एरिया में सभी वस्तुओं की आपूर्ति डोर टू डोर कराई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, परसों में कल गई हूँ वहाँ पे, और इसलिए सर इसके अपने अकेले आई थी कलकत्ता से ट्रेन से। अच्छा ठीक है। हाँ जी। और सर किराएदार के रूप में रहती थी। कौन सा मकान है सर ये? जैसे आगे सर आगे अंदर वही वाला जो हरा वाला दिख रहा है सर, वही वाला किराएदार है। जी सर। मृदुला कितने लोग हैं घर में? घर में उसमें फूल के इक्कीस लोग हैं सर। उसमें 21 लोग हैं जी। 33 लोग हैं और एक उसके फैमिली में 7 लोग हैं उसको मिला के। अच्छा 6 लोग और हैं। डेंस एरिया है जी, तो इसमें ऐसा करेंगे मृदुला, इसमें ऐसा करेंगे सर, मैं ना मोबाइल यूनिट और हमारे जो होगा हम आज थाना रामगढ़ ताल में बड़गो और असवनिया वहाँ हमने निरीक्षण किया। थाना राजघाट में हमारा ट्रांसपोर्ट नगर पे वहाँ पे एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है जो कि केड़िया अस्पताल में एक नर्स थी, उसको हमने सील करा दिया है। 250 मीटर के लिए कंटेनमेंट जोन बना दिया है। और इसके साथ ही थाना रामगढ़ ताल में जो बड़गो में एक पेशेंट मिली है वो कलकत्ता से आई थी महिला, तो उसको भी लगभग 21-22 लोग उसके संपर्क में आए हैं, उनका भी कल हम सैंपल परीक्षण कराएंगे। और असवनिया में जो उसके पास में गांव है दोनों का मिला के कल लगभग 40 लोग हैं, उनका हम सैंपल टेस्ट कराएंगे। इसके बाद आज थाना शाहपुर में ही एक नया भी सूचना मिली है कि जैमिनी अपार्टमेंट में एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है जो कल भी था। राजगढ़ से थाना जटेपुर में एक पॉजिटिव व्यक्ति होने की सूचना मिली है, उसको भी सील कराया जा रहा है। तो टोटल अभी 4 हॉटस्पॉट हमने आज बनाए हैं, तो इस तरीके से हमारे हॉटस्पॉटों की संख्या भी बढ़ रही है। इन सब हॉटस्पॉट एरिया में किस तरह की गतिविधियाँ होंगी? गतिविधियाँ जैसे शासन के दिशा निर्देश हैं कि 14 दिन के लिए कंटेनमेंट किया जाता है, और पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हुए सभी लोगों को हम सैंपल कराते हैं और सैनिटाइजेशन कार्य होता है, और डोर टू डोर जाकर निगरानी समिति सर्वे करती है कौन कौन व्यक्ति बाहर से आए हैं, कौन कौन व्यक्ति उस पॉजिटिव व्यक्ति के साथ संपर्क में आए हैं। ऐसे सभी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ संपर्क में आए हुए सभी लोगों की सूची बनाई जाती है, कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जाता है, फिर उनका सैंपल कराया जाता है। और 14 दिन तक वहाँ पर आवागमन निरुद्ध रहता है और हर प्रकार की सेवा और वस्तुओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जाती है।